ऑफ एजुकेशन, मैं सुखदा त्रिवेदी आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें आने वाली हैं आज, और ये 2010 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चंस मैंने इसमें कंपाइल किए हैं, जो हर बार रिपीट होते हैं उनको मैंने एक ही बार लिया गया है। इस बार ऐसे क्वेश्चंस को हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल हम प्रीवियस ईयर 2010 एंड 2012 तक के, मतलब 10, 11, 12 तक के सारे क्वेश्चंस इसमें कंपाइल्ड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी नई टर्म्स आज आपको जानने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम कम्युनिकेशन का भी कंप्लीट कर चुके हैं वीडियो 2010 से लेकर 2012 तक का, तो वो आप कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी। ठीक है, तो अब आप प्रोबेबिलिटी कर्व आप जानते होंगे, है ना, इस तरीके का कर्व बना रहता है इस तरीके से कुछ। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कैसा होता है? पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, नेगेटिवली स्क्यूड होता है, लेप्टोक्रिटिक होता है, और या फिर जीरो स्क्यूड होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, तो नॉर्मली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है वो जीरो स्क्यूड होता है। कैसा होता है? जीरो स्क्यूड। स्क्यूडनेस क्या होती है? शिफ्टनेस ऑफ दिस कह सकते हैं हम शेप। जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसी डायग्राम को इस तरीके से कुछ बना दिया कि देखिए इस तरफ नेगेटिव होता है और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव चलते हैं। ठीक है, तो अगर इसी का शेप थोड़ा सा इस तरफ झुका हुआ हो, ठीक है, इस तरीके से, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, और अगर ऐसा ही जो है ये राइट हैंड साइड पर झुक जाता है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली स्क्यूड। पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है बिल्कुल सीधा होता है, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? जीरो स्क्यूड। स्क्यूडनेस नहीं है, अपने पोजीशन में इसमें चेंजिंग नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि हम टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे अभी जब रिसर्च की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे उसकी थ्योरी क्लासेस में, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Which of the following variable cannot be expressed in quantitative terms? तो quantitative terms में क्या इनमें से कौन सा variable express नहीं किया जा सकता है? तो social economic status किया जा सकता है, marital status किया जा सकता है, numerical aptitude किया जा सकता है, पर professional attitude दोस्तों ये जो है हमारा qualitative में चला जाता है, और हमसे यहाँ पूछा गया है quantitative, तो इसका सही option होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द प्रोफेशनल एटीट्यूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टू ड्रग ऑफ डेंगू फीवर, हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज। तो अगर कोई डॉक्टर ने रिलेटिव स्टडी करना चाह रहा है वो दो ड्रग्स के इफेक्ट की, जो कि किसके हैं? डेंगू फीवर के, तो उनकी ये स्टडी किस कैटेगरी में होगी? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है, केस स्टडी भी नहीं होगी, ठीक है, इथेनोग्राफी भी नहीं होगी, तो ये किस में चला जाता है दोस्तों? मेडिकल की अधिकतर चीज़ें किस में चली जाती है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में चली जाती है, क्योंकि वो वहाँ इफेक्टिवनेस को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द टर्म फिनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ। तो फिनोमेनोलॉजी किस प्रोसेस से एसोसिएटेड है? ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोरिलेशन स्टडी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो दोस्तों सही आंसर है इसका क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च में एक्चुअली होता क्या है, हम कैरेक्टरिस्टिक की स्टडीज करते हैं ना अलग अलग, तो फिनोमेनोलॉजी में बेसिकली ये एक अप्रोच है क्वालिटेटिव रिसर्च का, जिसमें कि हम अलग अलग ह्यूमन बींग्स जो नेचर में या उनकी लाइफ में जो भी फिनोमेना हो रही है उसको कैसे परसीव करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं उनको, वो देखा जाएगा इसमें। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च का एक अप्रोच क्या है? फिनोमेनोलॉजी एक ऐसा अप्रोच है या एक क्वालिटेटिव रिसर्च की, जिसमें अलग अलग ह्यूमन बींग अलग अलग फिनोमेना को किस तरीके से परसीव कर रहा है वो हम समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोशियोग्राम टेक्निक इज यूज्ड टू स्टडी। अब सोशियोग्राम टेक्निक इनमें से किस चीज़ के लिए यूज की जाती है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो दोस्तों ह्यूमन रिलेशंस को स्टडी करने के लिए सोशियो
ग्राम टेक्निक जो है यूज की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्शन रिसर्च मींस, तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में और हर साल लगभग एक बार तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व अ इमीडिएट प्रॉब्लम, किसी भी एक इमीडिएट जो हाल फिलहाल आपके सामने जो प्रॉब्लम प्रेजेंट है उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड अपनाई जाती है, रिसर्च अपनाई जाती है, वो कौन सी रिसर्च होती है? एक्शन रिसर्च होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ अ रिसर्चर कंडक्ट अ रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक रिसर्चर कंडक्ट रिसर्च, एक रिसर्च कंडक्ट किए रिसर्चर ने ये पता करने के लिए कि कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल इस इंस्टीट्यूशन में ज़्यादातर इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये इस टाइप की रिसर्च क्या, कौन सी रिसर्च कहलाएगी? तो दोस्तों ये कहलाती है अप्लाइड रिसर्च कहलाएगी। कौन सी रिसर्च कहलाएगी? अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, क्या देखिए जैसे व्यवहारिक शोध है ना, तो व्यवहारिकता को समझने के लिए जो किया जा रहा है वहां पर वो क्या कहलाएगा? अप्लाइड रिसर्च या व्यवहारिक शोध कहलाएगा। अलग अलग रिसर्च के टाइप होते हैं ना, बेसिक रिसर्च हम कह सकते हैं या फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन गेव थ्री बेसिक लॉज ऑफ मोशन, दिस रिसर्च इज कैटेगराइज एज। तो अब देखिए न्यूटन ने जो थ्री बेसिक लॉ थे जिससे थ्योरीज जनरेट होती हैं, ठीक है, बेसिक लॉ दिए थे, वैसी रिसर्च को आप किस कैटेगरी में डालेंगे? तो जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो होगी नहीं, वो अप्लाइड रिसर्च भी नहीं होगी। अभी आपको बताया मैंने सैंपल सर्वे भी नहीं कह सकते, तो क्या है वो? फंडामेंटल रिसर्च है या बेसिक रिसर्च है। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ना प्योर रिसर्च, जिनसे बाकी चीजों की समझ हमारी बनती है, वो क्या कहलाती है? फंडामेंटल रिसर्च कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट इन ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज असेंबल्ड एट अ प्लेस एंड प्रिपेयर्ड अ सिलेबस फॉर अ न्यू कोर्स, दिस प्रोसेस मे बी टर्म्ड एज। तो कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं किसी स्पेशल एरिया के, जिनको स्पेशल एरिया में नॉलेज है, एंड देन वो क्या करते हैं? सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हैं एक न्यू कोर्स के लिए। तो वहाँ पर ये जो असेंबली की है उन्होंने, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? क्या वो कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, सिंपोजियम है? नहीं, वो क्या कहलाएगी? एक वर्कशॉप या कार्यशाला, जहाँ पर वो लोग आपस में समझ बूझ करके कोई एक नई चीज़ जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सब भी हालांकि हम लोगों को पॉइंट वाइज पढ़ना भी है अभी, तो हाल फिलहाल क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च प्रोसेस की मैंने आपको स्टेप्स 10 स्टेप्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी मैंने वो सैम्पलिंग तक जाकर रोकी हुई है वो। ठीक है, जल्दी उसको भी शुरू करने वाले हैं हम। तो अगर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस आपने किया है, तो उसके बाद नेक्स्ट आप कौन सी स्टेप चूज करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव तो होगा नहीं, एनालिसिस ऑफ डाटा हो नहीं सकता, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल होगा नहीं, होगा क्या? सबसे पहले फिर आपको क्या करना है? कलेक्शन ऑफ डाटा करना है। तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के बाद आपको कलेक्शन ऑफ डाटा, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस इज, हाइपोथेसिस क्या है? क्या एक लॉ है, कैनन मतलब अभिनय है, पोस्टुलेट है, या फिर सपोजिशन है? तो दोस्तों कल भी मैंने जब हमारा मीन्स ऑफ नॉलेज की बात हो रही थी, तो हाइपोथेसिस और सपोजिशन जैसे वर्ड वहाँ पर आए थे, पोस्टुलेट की भी बात करी थी हमने, है ना, वहाँ पर। तो एक्चुअली में हाइपोथेसिस क्या है? एक सपोजिशन है, एक मान लेना किसी चीज, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एट अ टाइम एक सॉल्यूशन मान लेना, फिर उस पर काम करना, उसको सिद्ध करना वो हो पाती है या नहीं। तो हाइपोथेसिस क्या है? दैट इज द सपोजिशन। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम। सपोज यू वॉन्ट टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग इफिशियंसी ऑफ नेशनलाइज बैंक इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलो यू फॉलो। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यू वुड यू फॉलो, तो इनमें से आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे अगर आपको वर्क इफिशियंसी ऑफ नेशनलाइज बैंक इन इंडिया के बारे में देखना है कि इंडिया की जो नेशनलाइज बैंक है उनकी, उनमें जो एम्प्लॉय उनकी वर्किंग इफिशियंसी या
बैंक की वर्किंग एफिशिएंसी कैसी है। तो दोस्तों ये चला जाएगा ना ही एरिया सैम्पलिंग, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग पे ही, कोटा पर भी नहीं, ये जाएगा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में। क्या होती है ये सैम्पलिंग हम लोग डिटेल में अपनी थ्योरी क्लासेस में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाई नहीं, तो कंट्रोल ग्रुप कहाँ होता है, किस टाइप की रिसर्च में कंट्रोल ग्रुप का यूज किया जाता है दोस्तों, ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, तो एक कंट्रोल ग्रुप होता है और आपका एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिससे आप रिजल्ट को मेजर करते हैं अपने कंटिन्यूअसली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च टूल, इनमें से कौन सा एक रिसर्च टूल की तरह काम करता है। तो क्या ग्राफ एक रिसर्च टूल है, इलस्ट्रेशन, डायग्राम या क्वेश्चन आयर। तो दोस्तों क्वेश्चन आयर प्रश्नावली जो है एक रिसर्च टूल है। रिसर्च टूल और टेक्निक्स में आपको जो है डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड इथिकल इफ इट, रिसर्च को इथिकल कंसिडर, कोई भी रिसर्च को इथिकल कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा इफ, कब नहीं किया जाएगा, ट्राई टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट डज नॉट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोइमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डाटा साइंटिफिकली। ठीक है, तो कब नहीं माना जाएगा आपकी रिसर्च को इथिकल, व्हेन इट डज नॉट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोइमिटी ऑफ द रेसिडेंट, उदारता की गोपनीयता और अज्ञातता सुनिश्चित नहीं करता हो तो आपके शोध को नैतिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसर्च जनरल, तो रिसर्च जनरल की क्वालिटी इनमें से किससे पता पड़ती है, इम्पैक्ट फैक्टर, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स, I10 इंडेक्स। तो इम्पैक्ट फैक्टर दोस्तों एक ऐसा कह सकते हैं आप, एक ऐसा क्वालिटी चेक है जिससे हम किसी भी रिसर्च जनरल की जो है क्वालिटी को पता कर सकते हैं। ठीक है, और इम्पैक्ट फैक्टर होता क्या है कि उसके आर्टिकल्स को कितनी बार साइट किया गया है, इससे पता पड़ता है कि उस जर्नल का कितना इम्पैक्ट फैक्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द रिसर्च इन द सीक्वेंस, तो ये मैं आपको कई बार करवा भी चुकी हूँ ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, देन फिर होगा लिस्टिंग ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, देन होगा आप डिसाइड करेंगे सबसे पहले मेथडोलॉजी, फोर मतलब कि ये देखिए ये बी जो है आधा ही हमने स्टेप्स देखा, वो बी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो फिर मेथडोलॉजी के बाद आप डाटा कलेक्शन करेंगे, देन आप डाटा को एनालाइज करेंगे, देन आप रिजल्ट एंड डिस्कशन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो अब ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे इन स्टेटमेंट को। अ हाइपोथेसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंसेस एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा ही होता है कि लिमिटेड एविडेंस से हम शुरू करते हैं और आगे जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं। हाइपोथेसिस इज अ बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट एनी एजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ, तो ये भी सही बात है। हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फिनोमेना, हाँ ये भी सही है कि प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन है ना, एक कल्पना करते हैं हम कि हाँ ये बात इस प्रॉब्लम का ये रीजन या सॉल्यूशन हो सकता है। या नेक्स्ट, साइंटिफिक हाइपोथेसिस या साइंटिफिक थ्योरी, तो दोस्तों इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये होगा। साइंटिफिक हाइपोथेसिस साइंटिफिक थ्योरी नहीं हो सकती है क्योंकि वो कभी भी गलत साबित हो सकती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले 3 सालों में से जो इंपॉर्टेंट रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थ्योरी क्लास होगी हमारी। ठीक है, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।